दोस्तों 5 रुपये पॉइंट खेल रहा हूँ और ये खास आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो कि आप देखें कि इसमें डिस्कार्डिंग कैसे यहाँ पर बहुत अलग होती है। हमारे पास एक प्योर सीक्वेंस है और 3 जोकर है। अगर यहाँ पे हमें 10 ऑफ डायमंड्स या 10 ऑफ स्पेड्स आता है तो हमारी गेम हो जाएगी। 2 ऑफ हार्ट्स आता है तो भी हमारी गेम हो सकती है। जैक ऑफ क्लब्स आता है तो भी हमारी गेम हो सकती है। दोस्तों आपको एक मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा कि पॉइंट रमी जब खेलते हैं तो यहाँ पर डिस्कार्डिंग बहुत अलग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स का सोच के नहीं खेलते हैं, तो आप भी उसी तरह इसको खेलिए। आप देखिए यहाँ पे ये क्वीन हमने सेफ कार्ड उसको खेला है, तो हम फिर से क्वीन ही मारेंगे। ये देखिए हमें 4 ऑफ हार्ट्स आ गया तो हमारी गेम हो गई है। यहाँ पर सेफ खेलने का फ़ायदा हमें मिल गया है। ये देखिए 56 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर, तो हमारा विनिंग जो है 598 रुपीज़ हमें मिल गया। तो पॉइंट रमी में ऐसे बहुत अलग खेला जाता है। यहाँ पर पॉइंट्स का आप कम पॉइंट्स हारना है ऐसे सोच के नहीं खेल सकते हैं। अब हम यहाँ छोड़ देते हैं टेबल को, मैं आपको बड़ा गेम में लिख देता हूँ। 10 रुपये पॉइंट में हम लोग अभी वहाँ खेलेंगे। और हमेशा याद रखिए सभी को एक मेरा टिप है और सभी को एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप खेलें डायरेक्ट बड़ा नहीं खेलें, छोटे से बड़ा करें, जीते और बड़ा खेलें, जीते और बड़ा खेलें। और जब आपको लग जाए कि आपका टारगेट अचीव हो गया है, आप सिंपली विड्रॉ कीजिए और विड्रॉ करके आप उस दिन के लिए गेम आपका बंद कर दीजिए, तो ही आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और यही चीज़ हर प्रोफेशनल प्लेयर करता है या एक एक्सपर्ट प्लेयर ऐसे ही खेलता है। अब यहाँ पे हमारे पास में प्योर सीक्वेंस नहीं है लेकिन चांसेस बहुत अच्छे हैं और हमारे पास एक ट्रायल भी है, सेट है। अब ये चांसेस तो हमारे पास ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। एस किंग का चांस तो नहीं रखेंगे, ये जैक का चांस है और ये 10 का चांस है। तो ये गेम मैं एडवाइस नहीं करूँगा खेलने के लिए, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही चांस है 10 ऑफ डायमंड्स और जैक ऑफ हार्ट्स का। तो हम ये गेम नहीं खेलेंगे, इसे ड्रॉप करके मूव कर जाएंगे। कौन सी गेम खेलना है ये चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सही गेम चूज़ किया और गेम आप जीत गए, या अगर नहीं जीतते हैं या कुछ पॉइंट्स हारते हैं तो बात बहुत अलग होती है। लेकिन रॉन्ग गेम खेल के आप फुल पॉइंट्स हारोगे तो आप फिर उसको आप विनिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो हमेशा सेफ खेलिए और सही गेम खेलिए ताकि आपको जो है विनिंग मैक्सिमम हो। और लॉस ना हो। जो टिप्स मैं आपको देता हूँ दोस्तों, ये टिप्स काफ़ी सारे जो दूसरे साइट्स में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस जो लोग सिखाते हैं वो लोग ये सारे जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो नहीं बताते हैं, लेकिन मैं खुल के आपको सब ट्रिक्स बताता हूँ। अब यहाँ हम लोग के पास में 12 कार्ड हम लोग ऑलरेडी हो गए हैं, किंग गिरा है तो हम लोग इसे जैक को ही मारेंगे। अब देखिए ये हमारे पास में 12 कार्ड ऐसे, हम लोग एक प्योर सीक्वेंस और 3 हमारे इम्प्योर सीक्वेंसेस हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली सब जन पैक कर गए हैं, नहीं तो ये हमको बहुत अच्छा बड़ा गेम विनिंग का मिल सकता था। देखिए दोस्तों 12 कार्ड हम लोग फर्स्ट हैंड 12 कार्ड है, लेकिन कभी कभार जो गेम के लिए जो हमको कार्ड चाहिए उसके लिए भी कुछ हाथ लग जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 8 हाथ हो चुके हैं, लेकिन हमें कार्ड चलो अभी मिल गया है तो हम लोग अभी गेम हमारा डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए कितने मिलते हैं, कितने पॉइंट्स मिलते हैं और हमारी विनिंग कितनी मिलती है हमें। तो हमें 827 रुपीज़ मिले हैं। अब हम लोग एक स्टेप आगे चल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 20 रुपीज़ पॉइंट खेल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक गेम यहाँ जीत जाते हैं तो हम मेरा टारगेट आज का अचीव हो जाएगा। और मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं सीधा विड्रॉ करके गेम आज के लिए मैं बंद कर दूँगा।
कार्ड्स बहुत सही आए हैं। एक हमारे पास में सीपे और सीक्वेंस है, 10 ऑफ हार्ट्स ऐसे हैं, ओहो 10 ऑफ डायमंड्स जो हमें लग रहा था वो ओपन कार्ड था, लेकिन एक प्लेयर खेल आया है और ये प्लेयर जो है ये एक्सपर्ट प्लेयर हैं। इसका नाम आप देख लीजिए, यूज़र नेम Alpha02 जो भी रहेगा आगे, वो एक्सपर्ट प्लेयर हैं। लेकिन एक्सपर्ट प्लेयर को भी हम कैसे बीट करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सब 10 10 10 गिरा हुआ है, हम लोग यहाँ पे 10 नहीं मारेंगे क्योंकि ये हमारे बाद में 3 और प्लेयर्स हैं जो खेलने वाले हैं। ये तीनों में भी ये जो है 10 है ये लग सकता है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे कि हम लोग एस डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि एस हमें दोनों जगह लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है यहाँ पर भी लग रहा है। क्वीन जैक ऑफ डायमंड्स है। अब देखिए 10 ऑफ हार्ट्स हमारे पास एक कार्ड है जो उसने ही डिस्कार्ड किया है, वो सेफ कार्ड है। तो पहले मारते तो सेफ चला जाता, लेकिन जैसे हमें पता होता नहीं है तो हमारे हिसाब से जो हम सेफ खेलते हैं। ये देखिए हमें एस मिल गया, अब ये सेफ कार्ड जाएगा। अब हमारी गेम जो है वो कॉलिंग गेम है, अभी 1 कार्ड गेम है, हमें 1 कार्ड ही चाहिए सिर्फ। ये कार्ड लेकर हम एक्चुअली कॉलिंग है और फिर कॉलिंग को ही कॉलिंग रखेंगे, तो मतलब नहीं बनता, कोशिश करेंगे खींच के गेम दिखाएं। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमें एस भी मिलेगा तो भी हमारी गेम हो जाएगी, 3 मिलेगा कोई तो भी हमारी गेम हो सकती है। देखना ये है कि हमारे पास राउंड आए तो हमारे पास राउंड में क्या मिलता है हमें। हमने एस ऑफ क्लब्स शायद डिस्कार्ड किया था तो सेफ शायद मार सकता है, अगर वो भी हमें मिल जाए तो हमारे पास में हमारी गेम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई गेम के लिए पत्ता मिलता है क्या, नहीं तो यहाँ से खींच के लाएंगे। ये बहुत ही बैड है कि हमें कार्ड नहीं मिल रहा है, 3 हाथ से हम गेम पे हैं और हमें कार्ड नहीं मिल रहा है। 2 ऑफ डायमंड्स हमें लग रहा था वो भी गिर गया, 2 ऑफ स्पेड्स अभी गिरा है वो भी हमें लग रहा था। वैसे तो हमारे पास में बहुत आसरे बहुत चांसेस हैं, 10 ऑफ डायमंड्स का है और एस ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ क्लब्स 3 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ डायमंड, ये इतने सारे आसरे हैं, जो भी एक भी कार्ड मिलता है तो हमारी गेम हो जाती है। दोस्तों इस गेम के बाद में मैं वीडियो बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो चुकी है। ये भी हमें कार्ड लग रहा है लेकिन लेके फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 7 पॉइंट्स पे हैं और यहाँ पे पॉइंट्स कम करना नहीं है क्योंकि ये पूल रमी नहीं है, ये पॉइंट रमी है, यहाँ पर गेम दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गेम के लिए खींचते हैं कार्ड, और कुछ नहीं मिला तो फेंक देते हैं उसको। दोस्तों गेम के बाद में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं गेम के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरा गेम खेलने का तरीका और जो डिस्कार्डिंग है अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट भी करें। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखना है, ये देखिए 10 ऑफ डायमंड्स मिल गया है, एट लास्ट हमारी रमी हमारी गेम हो गई है। और ये हमें एक कार्ड हमें पैक करना पड़ेगा, अभी बिगर पैक करें आप रमी दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में यहाँ 14 के 14 कार्ड फिट हुए हैं। तो अभी हम एस ऑफ डायमंड जो है इसको ही
डिक्लेयर करने के लिए, पैक करने के लिए इसे ही कर देते हैं और डिक्लेयर करके। अभी देखते हैं किसका कितने पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत लंबी गेम चली है तो शायद ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पैक किए हैं उनके तो पॉइंट्स मिलते ही मिलते हैं। ये देखिए एक पेनल्टी मिली है 45 की, 3 पॉइंट की है। और ये नाम देख लीजिए, ये नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको Alpha02, ये एक्सपर्ट हैं, इनके पॉइंट्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये देखिए 5 पॉइंट मिल रहे हैं। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आए। जो आपका रिक्वेस्ट था, जो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं पॉइंट रमी खेल के दिखाऊं, मैंने 3 गेम पॉइंट रमी खेला हूं और तीनों गेम भी मैं जीत चुका हूं। मेरे पास में, मैं आप लोगों को एक बार हिस्ट्री दिखा देता हूं ट्रांजैक्शन की, माय ट्रांजैक्शंस। यहां देखिए, ये हम यहां पर हमने खेलना शुरू किया जहाँ पर मेरे पास 2300, ये देखिए ये था 8:55 PM को, वहाँ पर हमें विनिंग मिला 2800 हो गए। यहाँ 2800 लेके खेला, यहाँ पर एक गेम हमने पैक किया और दूसरे टेबल पे चले गए। वहाँ पे 2600 हम लेके बैठे, 3400 हो गए। यहाँ पे हमने 3400 लेके बैठे, 20 रुपये टेबल, 20 रुपये पॉइंट में यहाँ पर हमारी गेम हो गई। तो 2300 के 5116 हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरा टाइम हो चुका है, मेरा टारगेट हो चुका है, तो अब मैं विड्रॉ कर लूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं कोशिश करके एडिट करके जहाँ जहाँ जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे कम करके आपको वीडियो थोड़ा शॉर्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आप वीडियो के मज़े ले सकें। और आपको अगर कोई भी दूसरा गेम देखना है, कुछ अलग मेरे से टिप चाहिए, या कुछ आपकी कोई अलग रिक्वेस्ट हो कि क्या चीज़ कैसे खेले, पूल रमी कैसे खेले, डील रमी कैसे खेले, इसके स्ट्रैटेजीज़ क्या है, अगर आप कमेंट करते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई करूँगा ज़रूर। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।